बेटी चली गई है स्कूल, उसको मैं अभी अभी बाहर छोड़कर आई हूँ। तो ये है मेरा प्लान जिसको कि लगाना है। कई दिन हो गया पर टाइम नहीं मिल रहा है कि मैं लगाऊँ इसको, और बाहर आई तो सोचा कि एक बार इसको देख लूँ। इसकी कंडीशन ख़राब हो रही है, अब लगाना बहुत ज़रूरी हो गया है, बहुत लेट हो गया है। पिछले वीक में जब गई थी दशाश्वमेध घाट, वहाँ पे बहुत ही कम प्राइस में मिल रहे थे, इसलिए मैं अपने आप को प्लांट्स लिए भी ना रोक नहीं पाई। तो मैं आ गई हूँ किचन में, चाय वाय पी लिया है, बच्चे मेरे जग गए हैं, मीन्स बच्चे नहीं, आदिया तो स्कूल चल गई है, छोटा बेटा इवान भी जग गया है, वो खेल रहा है, उसको दूध दूध मैंने पिला लिया है। तो आज मुझे बनाना है निमोना, और ये मैंने थोड़ा सा ना, ये निमोना के लिए मैंने मटर लिया है मिक्सी में, इसको दरदरा पिसूँगी, और थोड़ा सा मैंने अलग रख लिया है। ये देखिए मटर को मैंने दरदरा पीस लिया है। वैसे तो सभी के घर में विंटर सीजन में निमोना बनता ही है, सभी जानते हैं निमोना की रेसिपी, बट फिर भी आई थिंक कुछ लोग होंगे जो लोग नहीं बनाते होंगे, क्योंकि बहुत सारी रेसिपी ऐसी होती है हम लोग रोज़ बनाते हैं या और लोग रोज़ बनाते हैं पर हम नहीं जानते हैं, तो इसलिए मैंने सोचा कि आप लोग के साथ निमोना की रेसिपी शेयर करूँ। थोड़ी मिर्ची सर्दी हो गई है इसलिए थोड़ा सा वॉइस चेंज हो गई है, बोलने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं, ये सब तो लगा ही रहेगा ठंडी बार। तो यहाँ पे मैंने ये हरी मिर्च, हरा धनिया, हरा लहसुन और नॉर्मल लहसुन और अदरक का यहाँ पे पेस्ट बना लिया है। पेस्ट हम बहुत ना बारीक करेंगे ना बहुत दरदरा करेंगे। तो यहाँ पर ये मटर भी पीस गया है हमारा, आलू भी मैंने धुल करके अच्छे से कट कर लिया है। थोड़ा आलू हम मोटा मोटा ही काटेंगे, बहुत पतला नहीं काटेंगे। तो यहाँ पे कढ़ाई ले लिया है, कढ़ाई में मैंने ऑयल डाल लिया, नई नई कढ़ाई झूठी बिल्कुल नहीं है, ये नहीं सोचिएगा कि झूठे कढ़ाई में मैं खाना बना रही हूँ। अभी जब बेटी मेरी स्कूल गई है ना, तो उसके लिए लंच बनाना था, तो उसके लिए मैंने सैंडविच बनाया था, तो उसमें जो भी उसके वेजिटेबल्स थे उसको थोड़ा सा सॉटे किया था, तो सोचा कि चलो इसमें ही बना लेती हूँ, क्या धुलना। तो यहाँ पे ऑयल में मैंने एक तेज पत्ता डाला, एक बड़ी डाला है, थोड़ी जीरा, थोड़ी हींग। बड़ी बोले तो आप आई थिंक सब लोग जानते होंगे, और जो लोग नहीं भी जानते होंगे, ये ना एक दाल उड़द का दाल होता है, जिसमें बहुत अच्छे से, तो मैं भी इसके बारे में नहीं जानती, मम्मी बनाती हैं, उनसे ही लेती हूँ, पहले मैं नहीं खाती थी, लेकिन अब थोड़ा सा इसका टेस्ट अच्छा लगता है। हम लोग इसको बड़ी बोलते हैं, और बहुत सारे लोग कोरौरी भी बोलते हैं, और भी लोग बोलते होंगे किसी नाम से, मुझे नहीं मालूम। और इसको बैंगन की सब्ज़ी में डालने से ना बहुत अच्छा टेस्ट आता है, और बड़ी इसमें निमोना में तो इसको लोग डालते हैं। और ना इसको ऐसे भी ऑयल में फ्राई करके, प्याज के साथ छोटे छोटे प्याज कट करके ऑयल में इसको फ्राई करके खाइए ना, बहुत टेस्टी लगता है। अगर कोई सब्जी या कुछ ना हो या खाने का मन ना हो ना, तो प्याज में आप एक दो बड़ी को ऐसे ऑयल में थोड़ा सा फ्राई करके प्याज के साथ खाइएगा, बहुत अच्छा लगेगा, टेस्टी लगेगा। तो जो मटर मैंने फ्राई किया था ना, सॉरी जो दरदरा पीस कर रखा था, उसको मैंने फ्राई करके यहाँ निकाल लिया। मैं थोड़ा सा ऑयल डालूंगी, और जो आलू कट करके रखा है उसको भून लूंगी, थोड़ा फ्राई कर लूँगी। और आलू में ही हम नमक डाल देंगे, ताकि आलू थोड़ा जल्दी से पक जाए और लाल लाल सुनहरा भुन जाए। और जब तक हमारा आलू पकेगा, तब तक हम आलू धनिया को चॉप कर लेंगे। और इसके साथ ही चावल भी बनाएंगे, क्योंकि निमोना बन रहा है, तो भाई चावल तो बनना ही है, क्योंकि निमोना बिना चावल के खाए, चावल के बिना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे आलू में मैंने डाल दिया थोड़ा सा मसाला रेगुलर, और थोड़ी हल्दी, थोड़ी गरम धनिया पाउडर, थोड़ी गरम मसाला, इन सबको डाल करके, और टमाटर डालेंगे। और यहाँ पे जो मैंने पेस्ट बना के रखा था हरी चटनी या फिर, तो उसको भी डाल देंगे, थोड़ा सा पानी भी ऐड कर देंगे, ताकि मसाला हमारा जले नहीं, और अच्छे से सारे मसाले को पका लेंगे। तो यहाँ पे एक दो मिनट के लिए हम इसको ढक देंगे,
और बीच बीच में देखते रहेंगे ताकि हमारा मसाला जल ना जाए। बस मसाला हमारा यहाँ पे पक गया है और यहाँ पे हम डाल देंगे वो मटर जो फ्राई करके रखा है और पानी ऐड कर देंगे। और हाँ, नमक वहाँ पे अगर हम कम डाले हैं तो यहाँ पर नमक भी थोड़ा डालेंगे। बस इसको मिक्स करके पानी डाल करके ढक देंगे। और इसी के साथ हम अपना चावल भी चढ़ा लेंगे। तो चावल में मैंने थोड़ा सा घी डाला, थोड़ा जीरा डाला और जो मटर बचा करके रखा था उसको डाला ताकि थोड़ा सा हरा भरा हो जाए चावल। तो लीजिए, हमारा गर्मा गर्म चावल और निमोना रेडी है, जिसको भी खाना है खा लीजिए। तो यहाँ पर अब मैं हस्बैंड जी को खाना दे दूँगी, वो खा करके चले जाएंगे लाइब्रेरी और उसके बाद मैं सारा साफ़ सफाई कर लूँगी। तो मिलते हैं नहाने के बाद। तो यहाँ पे मैं नहा ली हूँ और मेरा किचन भी नहा लिया है, साफ़ हो गया है। तो बस अब चलिए चलते हैं छत पर, थोड़ा धूप लेते हैं। उसके पहले अपना मॉइस्चराइजिंग वगैरह थोड़ा लगा लेते हैं। और यहाँ पर मेरा बेटा सोया हुआ है, दोपहर का नींद ले रहा है और जब तक वो सोया है तब तक मैं अपना जो भी पेंडिंग काम है वो कर लूँगी। अभी आगे देखिएगा, पता चलेगा कौन सा पेंडिंग काम है, बहुत ज़रूरी काम है। और उसके बाद आद्या को लेने जाना है और मैं जब आद्या को लेने जाऊँगी तब तक इवान जग जाएंगे तो उसके बाद मेरा काम नहीं हो पाएगा। तो चलिए चलते हैं छत पर। तो यही था मेरा पेंडिंग काम जो बहुत ज़रूरी था। मैंने सुबह बताया था आपको कि मेरे प्लांट्स ख़राब हो रहे हैं, उनको पॉट में लगाना बहुत ज़रूरी है। तो यही मैंने जैसे तैसे करके इसको लगा लिया क्योंकि गमले कम पड़ रहे थे, लेकिन इसमें उसमें करके मैंने लगा लिया। अभी मैं गमले ले आ नहीं पा रही थी, बस वही गमले लाने के चक्कर में ही इतना लेट हुआ है। फिर भी मैं नहीं लाई तो कोई बात, तो इसमें उसमें कर लिया। फिर कभी जाऊँगी मार्केट तो ले आऊँगी, फिर ट्रांसफ़र कर दूँगी उसको जहाँ मुझे लगाना है। और मेरे ये छोटे से घड़े हैं ना, ये मेरे यहाँ जब मेरे घर का गृह प्रवेश का पूजा था तो उसमें यूज़ हुआ था, तो मैं इसको फेंकना नहीं चाह रही थी। तो उसका मैंने ना ऐसे DIY कर लिया था, इसको डेकोर कर लिया था और इसको दिवाली पर मैंने इसको यूज़ किया था, इसको सजाया था। तो अब एक बार दो बार सजा लिया, बार बार तो एक ही चीज़ सजाऊंगी नहीं, तो इसलिए मैंने सोचा चलो इसमें प्लांट लगा लेते हैं। मिट्टी का भी अच्छा है तो इसमें मैंने छोटे छोटे से प्लांट लगा लिए हैं। तो आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताइएगा। तो मेरे प्लांट यहाँ पे लग चुके हैं और मेरी बेटी के आने का टाइम भी हो गया है और मेरा बेटा भी जग गया है अब।
अब परेशान कर रहा है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और वीडियो अच्छा लगा पसंद आया तो एक लाइक करिएगा, नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बाय बाय, टेक केयर।